वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय मनीषा का। ये कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन जो है स्टार्ट हो गया है। दुर्गा पूजा बहुत ही नजदीक आ गई है, लाइक नेक्स्ट मंथ में दुर्गा पूजा होने ही वाली है। सो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ दुर्गा पूजा स्पेशल साड़ी हॉल। ये सभी साड़ियां मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं, काफी अफोर्डेबल है, साथ ही ब्रांडेड भी है और अमेजोन पे मेगा फैशन डे सेल लाइव है। 50-80% का ऑफ मिल जाता है आपके फेवरेट फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। और ये सभी साड़ी काफी खूबसूरत मुझे रिसीव हुई है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज के हॉल वीडियो में। आई होप आज का कलेक्शन आपको पसंद आएगा। अगर आप ऐसे ही साड़ी हॉल और भी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे साड़ियों से रिलेटेड रील्स या पोस्ट अपडेट करते रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटिव रील्स देखने को मिलेंगे एंड इंस्टाग्राम से भी आप परचेज कर सकते हो, शॉर्ट लिंक भी एंड शॉर्ट वहाँ पे वीडियो भी आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही ब्यूटीफुल सी दुर्गा पूजा स्पेशल साड़ी हॉल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि काफी ज्यादा फेमस है दुर्गा पूजा के लिए, जो कलर वो है व्हाइट एंड रेड ऑफ व्हाइट। कुछ उसी तरह की ये साड़ी मुझे मिली है, थोड़ा सा डिफरेंट। हमेशा तो रेड पार वाली व्हाइट साड़ियां हमेशा लोग पहनते हैं, खास करके महाराष्ट्र में जहाँ पे दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वो उस टाइप की साड़ियां मैंने पिछले साल दशहरा वाले हॉल में आप लोगों के साथ शेयर कर दी। साइड में पिक्चर या वीडियो मैं अटैच कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। उस साड़ी का भी मैं बाइंग लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। साथ ही इस बार जो नया थोड़ा सा अपग्रेड करके मैं लेके आ गई हूँ, थोड़ा सा जरी वर्क में बूटी वाली साड़ी कह लो या फिर ऑफ व्हाइट कह लो एंड रेड कलर के बॉर्डर के साथ जरी वर्क में ये साड़ी काफी खूबसूरत है एंड काफी लाइट वेट भी है। इसकी जो पल्लू है वो आपको कुछ इस तरीके की काफी रिच पल्लू मिलेगी, गोल्डन जरी से वर्क किया हुआ, बहुत ही अच्छा फ्लोरल वीविंग इसमें हो रखा है जरी से, आप देख सकते हो। बूटी पैटर्न, चेक्स पैटर्न, फ्लोरल पैटर्न, सभी तरह की आपको फ्लोरल वीविंग इसमें मिल जाती है। काफी अच्छा कलर्स का पैटर्न यहाँ पे वीव किया गया, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वीविंग पैटर्न। एंड इस तरीके से टेसल्स मिल जाता है आपको इस साड़ी के पल्लू में, ये बॉर्डर मिल जाता है आपको साड़ी में फ्लोरल वीविंग किया हुआ है गोल्डन जरी से, जो कि काफी खूबसूरत है। एंड पूरे साड़ी में आपको ये छोटी छोटी बूटी मिल जाती है गोल्डन जरी से वीव किया हुआ। इस साड़ी का रिवर्स साइड कुछ इस तरीके की फिनिशिंग के साथ आपको मिलेगी एंड ये सॉफ्ट सिल्क है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे आप अपने बॉडी में रैप करोगे वैसे ये आपके बॉडी में फिट हो जाएगी। सो बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी है, डेफिनेटली आप ये साड़ी ले सकते हो। इसके बॉटम का जो पैटर्न है वो काफी सुंदर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से है इसके बॉटम में पैटर्न, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है कलर्स पैटर्न में। इसे रेड कलर में गोल्डन जरी का बॉर्डर में आपको मिल जाता है वीव किया हुआ, काफी खूबसूरत सा पैटर्न है इस साड़ी का, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है। दशहरा का फंक्शन आप इस साड़ी में बिता सकते हो, वैसे आज का सभी साड़ियां दशहरा दुर्गा पूजा अप्रोप्रिएट है, आप डेफिनेटली कोई भी साड़ी परचेज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी 5.5 मीटर की साड़ी आपको मिल जाती है एंड 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है आपको इस साड़ी के साथ, रेड कलर में बूटी पैटर्न एंड सेम आपको रनिंग बेस में बॉर्डर मिल जाती है, जैसा कि साड़ी में देखने को मिला था वैसा ही आपको बूटी पैटर्न में और रनिंग बेस में बॉर्डर मिल जाता है आपको ब्लाउज पीस में भी। जैसे कि आप देख सकते हो इस साड़ी एंड ब्लाउज में बूटी का जो पैटर्न है ऊपर में छोटा छोटा है, धीरे 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 नीचे में बड़ी 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 बूटी हो गई है। सो ये पैटर्न काफी खूबसूरत लग रहा है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सो डेफिनेटली आप ये वाली साड़ी परचेज कर सकते हो। इन सभी साड़ियों का जो लिंक है आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सिंगल शॉर्ट लिंक भी मिल जाएगा, आप लिंक के थ्रू जाके अमेजोन से परचेज कर सकते हो। सभी का लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको अमेजोन पे जाके मेहनत ना करना पड़े, सबको ढूंढना ना पड़े। सबका सेपरेट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाके वहां से डायरेक्टली अमेजोन के पेज से परचेज कर सकते हो। आप लोगों के साथ कुछ ज्वेलरी शेयर करूंगी जो कि मैंने अमेजोन से ही परचेज किए हैं, बट ये सभी अलग अलग ब्रांड से है एंड ये अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हो, डेली वेयर में पहनना चाहते हो, आउटडोर वगैरह कहीं जाते हो तो ये आप ज्वेलरी पहन सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट क्यूट सा ज्वेलरी है। सिल्वर ज्वेलरी है, मेटल वाले जो होते हैं वो है, काफी प्यारा सा है, तो आप इसको वेस्टर्न ड्रेसेस या फिर कुर्ती वगैरह पे या फिर शॉर्ट ड्रेसेस पे पहन सकते हो, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। कुछ 3-4 पीसेस मैंने ट्राई करे हैं इस बार और ये सभी ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो इन सभी को। और इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो जाके आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने 2 पेंडेंट शेयर करूंगी, लॉकेट जो कि मैंने कॉम्बो में लिया है, अलग अलग इसकी प्राइस 250-300 थी, बट ये 250 या 300 में मुझे ना कॉम्बो सेट में मिल गया है, तो मैंने दोनों का कॉम्बो ले लिया। अगर आप दो नहीं लेना चाहते हो तो आपको सिंगल सिंगल भी मिल जाएगा, वहां पे सिंगल पीस भी अवेलेबल है, बट ये बहुत ही प्यारा सा ब्लू एंड पिंक के कलर कॉम्बिनेशन में मुझे कॉम्बो मिल गया। तो कुछ इस तरीके का ये सिल्वर पेंडेंट है एंड इसका जो लॉक सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है, इस तरीके से इसका लॉक सिस्टम भी बहुत अच्छा है एंड ये बहुत ही प्यारा सा बॉटल शेप में है, ये इस तरीके से बॉटल शेप में यहाँ पे पिंक कलर का स्टोन का आपको हार्ट मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे फिर एडी लगा हुआ है एंड ये बहुत ही क्यूट सा बॉटल शेप है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप चाहे
तो पहन सकते हो डेली वेयर में भी। एंड ये जो चेन है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जो मेटल है वो बहुत बढ़िया है, ब्लैक नहीं होने वाला है। एंड इसका जो लॉक सिस्टम है वो भी अच्छा है। तो ये एक पीस मैंने लिया है, एंड इसका जो सेकेंड पीस है वो मैंने जो है वो इस तरीके से ब्लू स्टोन में लिया है इस तरीके से। ये कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा था। अगर आप लव कपल हो, पार्टनर हो, तो एक आप और एक आप अपने पार्टनर को दे सकते हो, बहुत ही प्यारा सा है। या फिर ब्रदर सिस्टर हो तो भाई बहन भी पहन सकते हो, हस्बैंड वाइफ भी पहन सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। कहीं आप जा रहे हो ना, दोनों एक जैसा पहनोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप ये डेफिनेटली लॉकेट ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल भी है, बहुत सुंदर लगता है, लुक वाइज भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसके साथ ही मैंने एक सोचा कि अगर लॉकेट सिल्वर रखी है तो एक ब्रासलेट भी मैंने सिल्वर ही लिया है, ये भी स्टोन वर्क में ही है। ये ना मैंने लिया है व्हाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में, एंड वहां पे ना आपको सिर्फ ब्लू में भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा हॉट शेप वाला है, जैसे कि क्यूट कपल या फिर टीनेज गर्ल्स के लिए ये काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा। सेम आपको इस तरीके का ही लॉक मिल जाता है इसमें भी। एंड ये बहुत ही प्यारा सा आप देख सकते हो इस तरीके का आपको ब्रासलेट मैंने लिया है, बहुत ही प्यारा सा ब्रासलेट मिल जाता है जिसमें अगेन यहाँ पे हॉट शेप है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपकी नेक थोड़ी पतली है तो आप चाहे तो एज अ नेकलेस भी इसको ट्राई कर सकते हो, काफी क्यूट लगने वाला है। तो इसकी क्वालिटी भी सेम है, सेम मेटल ब्रास है, एंड ये आई थिंक येलो चाइम्स से है या फिर गैलेक्सी ज्वेल्स से है। ब्रांड सभी का मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, प्राइस शो कर रही हूँ, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। काफी प्यारा है, क्यूट सा है, आप डेफिनेटली ले सकते हो ये ब्रासलेट, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट जो ये प्रिंसेस वाली रिंग होती है, ये मुझे काफी दिनों से अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत दिनों से मैं देख रही थी। एंड जब कुछ वेस्टर्न आउटफिट पहनती हूँ या फिर गाउन वगैरह उस पर ये बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दिनों से इसको विशलिस्ट करके रखी, फाइनली मैंने इसको लिया, एंड ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। क्योंकि ये सिंगल रिंग एक आपको मिलता है इस तरीके से, एंड इसके साथ आपको ये ताज वाला रिंग मिल जाता है इस तरीके से। ये बहुत ही क्यूट लगता है, मुझे लगता था पहले कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इसको देखा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। काफी अच्छा लग रहा है जब आप दोनों एक साथ इसको ऐसे पहनते हो लाइक दिस। सिंगल आपको पहनने हैं तो सिंगल पहनो, या फिर इसके ऊपर आप इस तरीके से इसको, वाओ इतना प्यारा लगता है ना हाथों में जब आप इसको पहनते हो, मुझे तो काफी ज्यादा सुंदर लगा। सो डेफिनेटली आप ये वाला रिंग भी ले सकते हो, यूनिक है एंड काफी डिफरेंट स्टाइल है। एंड आई थिंक ये बहुत सारे ब्रांड ने इसको सेल कर रखा है, बट ये काफी ज्यादा अच्छा है, यूबेला का है आई थिंक ये, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, ब्रांडेड है, काफी सुंदर सा है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक इयर रिंग, ऑक्सीडाइज का है, एंड इसका पैटर्न मुझे काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने कुछ इस तरीके ले लिया। बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो किसी भी फेस्टिवल्स में मैं किसी भी आउटफिट के साथ इसको मैच कर सकती हूँ, इवन साड़ी सूट या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ मैं इसको पेयर कर सकती हूँ, काफी प्यारा लगेगा। तो ये वाला इयर रिंग आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा है, काफी क्यूट सा है, इसमें मरून पॉल की डिटेलिंग है, बाकी ऑक्सीडाइज है, और यहाँ पे आपको व्हाइट पॉल की डिटेलिंग मिल जाती है। तो ये इयर रिंग भी बहुत सुंदर है, काफी सही, आप डेफिनेटली ले सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में है सभी के सभी, एंड मुझे ये काफी ज्यादा सही लगा, बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं है, लाइट वेट है, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो। कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये सब कैसे लगे, एंड सभी का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साड़ी मैंने ले ली है पिंक कलर में, एंड ये भी फ्रॉम द ब्रांड आई थिंक अखलम से ही है। सभी का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, साथ ही प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, तो आप अपने बजट के हिसाब से साड़ी परचेज कर सकते हो। सो ये वाली साड़ी भी काफी खूबसूरत है, ये आपको साड़ी में पल्लू मिल जाता है जिसमें गोल्डन जरी से वीव किया हुआ है। बॉर्डर भी इसका काफी खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हो हेवी साड़ी है काफी, मतलब अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप न्यू मैरिड ब्राइड हो तो भी आप ये साड़ी ले सकते हो। अगर आपके घर में शादी का फंक्शन है तो भी आप ये साड़ी ले सकते हो, फेस्टिवल में पहनने के हिसाब से ले ही सकते हो। तो ये काफी हेवी सा टेसल्स मिल जाता है आपको इस साड़ी के पल्लू में इस तरीके से, काफी सुंदर लगता है टेसल्स वाली पल्लू मुझे, तो ये आपको मिल जाता है पल्लू इस साड़ी के टेसल्स इस साड़ी के पल्लू में इस तरीके से। एंड ये आपको बॉर्डर मिल जाता है गोल्डन जरी से वीव किया हुआ, काफी खूबसूरत सा बॉर्डर, ब्रॉड सा बॉर्डर है, बहुत ज्यादा पतला नहीं है एंड बहुत ज्यादा चौला भी नहीं है। टॉप और बॉटम का जो बॉर्डर है साड़ी में सेम मिलता है आपको इसी तरीके की, एंड पूरे साड़ी में कुछ इस तरीके की जाल वाली वीविंग की गई है पिंक कलर में गोल्डन जरी से, इस तरीके से पूरे जाल वाली वीविंग है पूरे साड़ी में आपको इस तरीके से वीव। सो ये काफी न्यूली मैरिड ब्राइड वाला लुक देगा आपको अगर आप ये साड़ी पहनते हो तो। एंड ये बहुत ही सुंदर सा आपको ये पल्ला मिल जाता है, काफी खूबसूरत सा पल्ला भी है इसका, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा वीव किया गया है इसके पल्ले में, काफी अच्छी डिटेलिंग है, गोल्डन जरी से वीव की गई है इसमें, तो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड पूरे साड़ी में जारी वाला इसमें इस तरीके से वीव किया गया, इसकी जो रिवर्स साइड है कुछ इस तरीके की फिनिशिंग के साथ आएगी। ये आपकी जुड़ी बैंगल में ज्यादा नहीं फंसती है पहनने में, मुझे तो कंफर्टेबल रहता है, सबका अपना अपना चॉइस होता है साड़ी करने का, अपना अपना सबका एक तरीका होता है, बट ये साड़ी काफी अच्छी है, लाइट वेट भी है, बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं लग रहा। बॉटम का भी बॉर्डर सेम है जैसे कि टॉप में दिया गया है, ओवरऑल पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलती है। साइड में सभी साड़ी का ट्राई ऑन पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि पहनने के बाद ये साड़ियाँ कैसी लगती है। तो ये साड़ी भी काफी खूबसूरत है, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। इसी में आपको ये 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस मिलता है, सेम रनिंग बेस में ही, जैसा साड़ी का फैब्रिक, जैसा साड़ी का डिजाइन, वैसा ही आपको ब्लाउज पीस मिलता है 90 सेंटीमीटर में। यहाँ पे स्टिच किया हुआ है ब्लाउज पीस इसी में पकड़ के,
इन्होंने सिलाई लगा दी है इस तरीके से। सो ये ब्लाउज पीस है साड़ी में। सो ये साड़ी काफी खूबसूरत है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, पहनने में भी सॉफ्ट है, ऐसा कड़ा वाला सिल्क नहीं है, सॉफ्ट सिल्क है। सो डेफिनेटली आप ये साड़ी भी ले सकते हो अमेजोन से, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप डेफिनेटली साड़ी को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो साड़ी है ये भी साड़ी खूबसूरत है, इसमें लुक बहुत बढ़िया आया है। 8 सिल्क की साड़ी का फैब्रिक है, पटोला स्टाइल में आपको मिल जाता है इसमें। बस मैंने सोचा था जड़ी की वीविंग आएगी बट इसमें फॉइल प्रिंट आया है। मैं फॉइल प्रिंट बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करती हूँ पहनना, बट इसमें आया है, लुक बहुत अच्छा रहा है। तो आप ये साड़ी भी ले सकते हो बिकॉज इसका कलर काफी अच्छा है एंड इसका पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। तो मैंने इसको लिया है इस तरीके से सी ग्रीन कलर में, फिरोजी कलर जिसको आप बोलते हो। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको साड़ी का पल्लू। साड़ी के पल्लू में कुछ इस तरीके का प्रिंटिंग मिल जाता है, फॉइल प्रिंट भी है, प्लस आपको इसमें हैंड ब्लॉक प्रिंट भी मिल जाता है। ये आपको मिल जाता है साड़ी के पल्लू में, टेसल्स काफी अच्छा लगा हुआ है एंड पूरे साड़ी में इस तरीके से अंदर पीछे की तरफ से पट्टी दी गई है, सो दैट इसका बॉर्डर जो है साड़ी का कपड़ा जो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, पतला है, तो ये बॉर्डर को हेवी कर दिया गया है जो कि आपको प्लीट्स बनाने में, शोल्डर पे रखने में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये साड़ी पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है साड़ी में, काफी खूबसूरत सी ये साड़ी है। डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो इस तरीके की साड़ी पटोला स्टाइल में। अभी जो है ये पैटर्न की साड़ियां बहुत चली हुई है, साड़ी जो है वो ट्रेंड में है इस तरह की पटोला स्टाइल साड़ी, बहुत सारे सेलेब्स भी पहन रहे हैं, तो आप ये साड़ी ले सकते हो। बस दिक्कत यही है कि इसमें ये गोल्डन फॉइल प्रिंट मिलता है, अगर जरी वर्क में होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। मैं इससे 80% सेटिस्फाइड हूँ जनरली, अगर जरी वर्क होता तो मैं 100% सेटिस्फाइड होती। तो अगर आप फॉइल प्रिंट की साड़ियां पहनते हो, आपको पसंद है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो या फिर आप जरी वर्क वाली साड़ियों के साथ जा सकते हो। तो ये साड़ी भी काफी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। इसका नीचे का पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा प्रिंटेड एंड बॉटम का जो पैटर्न है वो इस तरीके का प्रिंटेड मिलता है। चेक्स पैटर्न में आपको पटोला स्टाइल साड़ियाँ मिल जाता है। 8 सिल्क इसका फैब्रिक है, 5.5 मीटर की साड़ी आपको मिल जाती है एंड 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज पीस ही साड़ी के साथ मिलता है। ब्लाउज पीस जो है वो भी आपको प्रिंटेड मिलती है बूटी पैटर्न में, इस तरीके से फॉइल प्रिंट हो रखा है छोटी छोटी बूटी के साथ, इसी में अटैच है, कटिंग करके स्टिच कराना पड़ेगा आपको एंड सेम उसी तरीके से यहाँ पे पट्टी और बॉर्डर मिल जाता है प्रिंटेड, जो कि आप ब्लाउज के स्लीव्स में या फिर बैक में स्टिच करा सकते हो। तो ये साड़ी भी काफी अच्छी है, अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत आज के हॉल की साड़ियाँ होने वाली है। सो नेक्स्ट साड़ी जो है मेरे पास ये मोस सिल्क है, मोस शिफॉन है ये साड़ी, सॉरी, एंड ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मैंने अफोर्डेबल प्राइस में अमेजोन से लिया है। काफी अच्छा ये साड़ी मुझे लगा, इसका प्रिंट बहुत सुंदर है, फेस्टिवल प्लस घर का छोटा मोटा पर्व है, फंक्शन है या फिर वेडिंग्स में भी वेयर कर सकते हो। इसमें साड़ी में ना आपको इस तरीके का सीक्वेंस बॉर्डर मिल जाता है, गोल्डन सीक्वेंस मिलता है आपको इस साड़ी के बॉर्डर में कुछ इस तरीके का, काफी खूबसूरत सा इसका सीक्वेंस का क्वालिटी है एंड फिनिशिंग भी बहुत अच्छा दिया गया सीक्वेंस का। ये आपको बॉर्डर मिल जाता है एंड इस तरीके का आपको प्रिंट मिल जाता है। आई थिंक इस प्रिंट को लहरिया प्रिंट बोलते हैं, आई डोंट नो इस प्रिंट को कौन सा प्रिंट बोलते हैं, बट काफी अच्छा लग रहा है, फायरी कलर है, पंची कलर है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, ऑरेंजी सा कलर टोन है इसका, शिफॉन फैब्रिक है, सो लाइट वेट है, पहनने में कंफर्टेबल है, काफी सुंदर भी लग रहा है, पार्टी फंक्शन में भी आप पहन के जा सकते हो ये साड़ी। ये सब फैंसी साड़ियां हैं, बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, फैंसी साड़ी है जो कि आप हर एज वाले पहन सकते हो, हर स्किन टोन वाले लोग पहन सकते हो। ये काफी खूबसूरत है साड़ी, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अमेजोन से। सो पूरी साड़ी आपको इसी तरीके की प्रिंट में मिल जाएगी, इस तरीके के बॉर्डर के साथ। ओवरऑल पूरी साड़ी आपको ऐसी ही मिलती है, 5.5 मीटर की साड़ी है, 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज पीस मिलता है, ब्लाउज पीस के फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा दिया गया है, प्लस इसमें आपको फुल्ली सीक्वेंस वाला ब्लाउज का पीस मिल जाता है जिसे आप स्टिच करा सकते हो। ये एक फ्रंट का है, आई थिंक आप अपने हिसाब से फ्रंट और बैक करा सकते हो। ये एक साइड का मिलता है आपको सीक्वेंस का फुल एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एंड इस तरीके से आपको दूसरे पार्ट साइड का मिलता है फुल्ली सीक्वेंस का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ब्लाउज पीस, फुल्ली सीक्वेंस का काम मिल जाता है आपको ब्लाउज पीस में। सो काफी अच्छा ये ब्लाउज पीस है, पहनने सिलाने के बाद जब आप इस साड़ी के साथ इस ब्लाउज को पहनोगे तो एकदम कंप्लीट पार्टी लुक भी आ जाएगा, साथ ही आप इसको फेस्टिवल में भी वेयर कर सकते हो। ये कलर दशहरा में भी आप पहन सकते हो, बाय द वे दुर्गा पूजा में भी पहन सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। जब इसको आप स्टिच करा लोगे ये ब्लाउज पीस तो बहुत सारे साड़ियों के साथ भी आपका ये ब्लाउज चला जाएगा एंड काफी सुंदर एक पेयर बन जाएगा आपके साड़ी ब्लाउज का, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो आप डेफिनेटली ये साड़ी भी ले सकते हो। नेक्स्ट साड़ी है मेरे पास बहुत ही सुंदर बॉटल ग्रीन कलर में, ये साड़ी शिफॉन फैब्रिक है, काफी ज्यादा सॉफ्ट, बहुत अलग किस्म का ये फैब्रिक है शिफॉन में, जो एकदम सॉफ्ट है, पहनने में काफी अच्छा लगा। इस साड़ी का फैब्रिक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड इसका जो जरी का वीविंग वाला बॉर्डर मिल जाता है, लेस बॉर्डर, वो भी काफी अच्छा है। ये आपको पल्लू में मिल जाता है,
पूरे साड़ी के प्लेट में आपको बॉटम में ये बॉर्डर मिलता है, इतना ब्रॉड सा बॉर्डर आपको बॉटम में मिलता है साड़ी में, एंड ये पतला सा बॉर्डर आपको मिलता है पल्लू के बॉर्डर में, एंड यही पतला सा बॉर्डर आपको टॉप में मिलता है साड़ी में। बाद बाकी साड़ी के बीच में कहीं कोई डिजाइन पैटर्न बूटी वगैरह नहीं दिया गया है, पूरा साड़ी प्लेन है इस तरीके से ग्रीन कलर में, एंड पहनने के बाद इसमें लुक बहुत अच्छा आया है। ये साड़ी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, डेफिनेटली आप ये साड़ी ले सकते हो, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है ग्रीन कलर में, इसका कलर ही काफी खूबसूरत है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है इसका कलर। सो पूरी साड़ी आपको इसी तरह की आएगी, जो कि आप कभी भी किसी भी वेडिंग फंक्शन में, पार्टी में, पूजा पाठ में, वेडिंग्स में पहन सकते हो इस तरीके से, मेहंदी फंक्शन वगैरह में तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो आप ये साड़ी डेफिनेटली ले सकते हो, किसी भी फेस्टिवल्स में आराम से पहन सकते हो, कोई भी फंक्शन हो आराम से आप ये साड़ी पहन सकते हो, अगर आप कहीं जा रहे हो किसी रिलेटिव के यहाँ तो भी पहन सकते हो, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, बहुत खूबसूरत है। सो डेफिनेटली आप ये साड़ी परचेज कर सकते हो, 5.5 मीटर की साड़ी मिल जाती है, एंड साड़ी के साथ बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज पीस दिया गया है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बॉटम का बॉर्डर है बाय द वे, एंड ये आपको मिल जाता है सिल्क फैब्रिक में साड़ी का ब्लाउज पीस जिसमें बूटी पैटर्न हो रखा है। और ये ब्लाउज अगर आप स्टिच करवा लेते हो डेफिनेटली आप इस ब्लाउज को बहुत सारे साड़ियों के साथ मैच करके पहन सकते हो, क्योंकि इसका कपड़ा भी बहुत खूबसूरत है और ये जो पैटर्न है बूटी पैटर्न वो भी बहुत सुंदर लगेगा। मैं इसका डेफिनेटली ब्लाउज अपने हिसाब से स्टिच कराने वाली हूँ क्योंकि ये काफी खूबसूरत सा है, एंड सेम वही जो साड़ी में बॉर्डर दिया गया वो बॉर्डर आपको मिल जाता है इसमें, जो कि आप कमर के बैक में या फिर स्लीव्स पे स्टिच करा सकते हो। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस मिलता है सिल्क फैब्रिक में, बहुत प्यारा सा है ये ब्लाउज पीस, डिजाइनर कम्प्लीटली फैंसी पार्टी वेयर आपका ये साड़ी बन सकता है। सो डेफिनेटली आप ये साड़ी परचेज कर सकते हो, और बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे मेरे इस ब्लाउज का लिंक मांग रहे थे, तो ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया है काफी अफोर्डेबल प्राइस में। इस ब्लाउज का लिंक भी मैं वीडियो में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ये ब्लाउज भी परचेज कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये सभी साड़ियों का कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ओके देन, मैं मनीषा मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय।